क्लास आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोलते हैं, दूसरा नेम इसका फ्लू भी है। इन्फ्लुएंजा इज़ एक्यूट डिसीज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या है ये? एक एक्यूट डिसीज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। ये किस वायरस के कारण से होता है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से कॉज होती है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से, इन्फ्लुएंजा को हम क्या बोलते हैं? फ्लू भी बोलते हैं। तो आपके यदि एग्ज़ाम पेपर में फ्लू के नेम से आए तो आप यही डिसीज़ को करके आएंगे एग्ज़ाम में सॉल्व। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक एक्यूट डिसीज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है, जो किस कारण से कॉज होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से। अब हम देख लेते हैं इसका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ये कहाँ से ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है वो। द वायरस इज स्प्रेड थ्रू एयर बॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द केस, ठीक है। ये जो वायरस है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से या फिर एयर बॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी ये हो सकता है। जैसे किसी ने स्नीज किया, उसी जगह से हम गए, तो हमको भी वो वायरस होने के चांसेस है, वो इन्फ्लुएंजा होने के हमको भी चांसेस है। ये स्नीजिंग, टॉकिंग बाय कॉन्टैक्ट, इसके थ्रू भी ये हो सकता है इन्फ्लुएंजा, हम किसी और पर्सन को भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है? कितने टाइम तक ये रहता है और कब होता है? द पर्सन कम्युनिकेबिलिटी सिम्टम्स विगन विद 24 आवर्स। जब ये इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो 24 आवर्स के अंदर इसके साइन सिम्टम्स हमें दिखते हैं, और ये कंटिन्यूस टिल 5 डेज, ये 5 दिन तक रहता है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो फ्लू होता है तो वो 3 से 5 दिन तक रहता ही है हमें, उसके बाद ही वो सही होता है। तो इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितनी है? 24 आवर्स से लेके 5 डेज। ओके, होस्ट फैक्टर देखते हैं हम। होस्ट फैक्टर क्या है? एज एंड सेक्स। ये किस किस को होता है? होस्ट फैक्टर मीन्स किसको होस्ट होता है। तो इसमें ये किसी भी एज के, इट अफेक्ट ऑल एजेस एंड सेक्स। ये किसी भी एज को हो सकता है, किसी भी सेक्स को हो सकता है। आपने देखा होगा कि ये नॉर्मली किसी भी को भी हो सकता है, मेल फीमेल, ऐसा नहीं है कि इसमें मेल को ही होता है फीमेल को ही होता है। बट स्पेशली हम कुछ देखते हैं तो ये चिल्ड्रंस में होता है। क्यों होता है चिल्ड्रंस में? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो लो रहती है, इस कारण से चिल्ड्रंस में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, ये किस में रहता है? हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन किस चिल्ड्रंस में देखी गई है कि चिल्ड्रंस को ये इन्फ्लुएंजा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड वेरी लो इन एडल्ट्स, और एडल्ट्स में लो रहता है ये, और चिल्ड्रंस में हाई रेट रहता है इसका। और ये किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप को डिसाइड नहीं है, पर्टिकुलर कोई सेक्स फीमेल, मेल या फीमेल डिसाइड नहीं है, किसी को भी हो सकता है, बट स्पेशली होता है चिल्ड्रंस में एंड एडल्ट्स में बहुत कम होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन कंप्लीट किया हमने। इन्फ्लुएंजा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये किस वायरस के कारण हो रहा है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। और इसका जो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर है वो है हमारा किसी भी डायरेक्ट एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में का मतलब है कि हमने जैसे उसने स्नीज किया और उसने अपना माउथ कवर नहीं किया किसी भी मास्क के थ्रू, और उसने अपने हाथ से स्नीज किया और उसने उस हाथ को बिना सैनिटाइज किए हमसे हैंडशेक किया, तो क्या है वो जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, और इसकी कम्युनिकेबिलिटी मैंने बताया 24 आवर्स से लेके 5 डेज तक रहता है। एज एंड सेक्स डिसाइडेड नहीं है, चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, और जो एडल्ट्स हैं उनमें बहुत कम पाया जाता है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में है एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा अकर ड्यूरिंग विंटर। जो इन्फ्लुएंजा है तो वो कहाँ पर? विंटर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और इंडिया में पाया जाता है समर एंड रेनी सीजन्स में। आपको पता है एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक का मींस, पेंडेमिक मींस वो पूरी कंट्रीज में फैल जाना, एपिडेमिक मींस पर्टिकुलर एक जगह पर ना, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहना, और एंडेमिक मींस वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसफ़र हो जाना, पेंडेमिक मींस पूरी कंट्री में फैल जाना। तो एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा अकर ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में का नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है। इंडिया में कब मिल होता है ये? ज़्यादातर केसेस पाए जाते हैं समर एंड रेनी सीजन्स में,
ये पाया जाता है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो इंडिया के लोग हैं उनको ये समर में और रेनी सीजन में ज़्यादा होने के चांसेस है, जुखाम खांसी ये सब इसी टाइम पे ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि सर्दी गर्मी से लोगों को कॉज होता है। ये क्लिनिकल फीचर्स कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे इन्फ्लुएंजा के, ठीक है, तो देखते हैं हम। फर्स्ट फीवर विथ चिल्स, फीवर आएगा, ठीक है, और चिल्स भी होगा। सोर थ्रॉट विथ स्नीजिंग, सोर थ्रॉट होगा और स्नीजिंग छींकें भी आएंगी। हेडेक होगा, नेजल ब्लॉक हो जाएगा, नोज़ बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी। बॉडी एक होगा, मैं पूरा दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, वीकनेस होगी, एनोरेक्सिया होगा, ठीक। एनोरेक्सिया मीन्स आपको पता ही है, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। और इनलार्ज लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना, वो अपने साइज में बढ़ जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे, इनलार्ज लिम्फ नोड्स। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, ओके। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स से नॉर्मल, जिस किसी पर्टिकुलर पेशेंट को हमारी फैमिली में इन्फ्लुएंजा होता है तो यही नॉर्मल साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है इसके। तो जब हमें इन्फ्लुएंजा होगा तो निमोनिया भी कॉज हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन निमोनिया हो सकता है। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ईयर इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशन। न्यूमोनिया क्या होगा, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, अब वो यदि ज़्यादा टाइम लग रहा है इन्फ्लुएंजा को सही होने में, ट्रीट करने में, तो निमोनिया भी कॉज हो सकता है, चांसेस है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में है एंटीवायरल एजेंट्स देंगे हम, क्या देंगे, एंटीवायरल। इन्फ्लुएंजा वायरस है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, एंटीवायरल एजेंट्स। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, जो भी पेशेंट है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे कि हाँ जिसको इन्फ्लुएंजा है वो उसको स्ट्रिक्ट, मतलब अलग से एक रूम में रखेंगे, आइसोलेट करके रखेंगे कि किसी और पर्सन को वो के कांटेक्ट में आने से ये प्रॉब्लम उसको कॉज ना हो, ओके। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स में हम दे सकते हैं पैरासीटामोल, पैरासीटामोल देंगे, बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, एनाल्जेसिक देंगे यदि उसको बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या वीक और भी वीकनेस वगैरह हो रही है, तो हम उसको क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे टू रिलीफ पेन। कफ सिरप देंगे और नेजल स्प्रे भी हम देंगे उसको। तो ये सारा ट्रीटमेंट था। प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं हम। सीजनल इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कैन बी प्रिवेंटेड बाय गेटिंग एन एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, ठीक है। जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसको हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा के, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाएंगे हम जाके कि ये यदि पर्टिकुलर एक पर्सन को बार बार हो रहा है तो हम इसका वैक्सीन लगवा के इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और इसको रिवाइज कर देती हूँ। इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा एक एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज़ है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण कॉज होती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या फिर स्नीजिंग टॉकिंग के थ्रू हो सकता है। ये कितने दिन, 24 आवर्स में इसका साइन सिम्टम्स पता चल जाते हैं और ये 5 डेज तक रहता है ना। इसका एज एंड सेक्स है, ये इट अफेक्ट ऑल एज एंड सेक्स, ये किसी भी एज और सेक्स में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है, चिल्ड्रंस में, एंड ये लो रहता है एडल्ट्स में, एडल्ट्स में कम पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है। ये एपिडेमिक है ऑफ इन्फ्लुएंजा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, विंटर में पाया जाता है ये, और जो इंडिया में समर एंड रेनी सीजन में ज़्यादा केसेस देखे गए हैं इसके, ओके। क्लिनिकल फीचर्स में फीवर विथ चिल्स, ठीक है, फीवर आएगा और शोर थ्रॉट होगा, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम होगी इनको और गला बैठ जाएगा वो चीज़, स्नीजिंग होगी, ठीक है, हेडेक होगा। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि जब आपको कोल्ड होता है तो क्या होता है, फीवर आता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है,
स्नीजिंग होती है, फिर ना तो हम कुछ खा पाते हैं, ना इरिटेशन होता है, हम किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, ठीक है। बॉडी एक होता है वीकनेस, एनोरेक्सिया, इनलार्ज, जो लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ट्रीटमेंट में एंटीवायरल एजेंट्स देंगे हम, स्ट्रिक्ट आइसोलेट करके रखेंगे उसको कि जिससे वो किसी और पर्सन में नहीं हो फ्लू ट्रांसफ़र। एंटीबायोटिक देंगे, बेड रेस्ट देने के लिए बोलेंगे, एनाल्जेसिक देंगे और कफ सिरप लेने के लिए बोलेंगे, नेजल स्प्रे देंगे। प्रिवेंशन के लिए हम इसको बोलेंगे कि वैक्सीन लगवाए वो अपना, जाके इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन करवाए, क्योंकि बार बार हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो क्लास यहाँ पर टाइप ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं हम, जो हमने प्रिवेंशन में वैक्सीन का बारे में देखा था कि वैक्सीन देंगे इन्फ्लुएंजा के लिए, तो इसमें टू टाइप्स की वैक्सीन दी जाती है, किल वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। तो इसमें किल वैक्सीन है, जो किल वैक्सीन इज़ यूज फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये जो किल वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। कितना दिया जाता है ये, 1.0 ml दिया जाता है सबक्यूटेनियसली। ये कहाँ से दिया जाता है, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है 1.0 ml। इम्यूनिटी लास्ट फॉर 3 to 6 months, जो ये वैक्सीन दिया जाता है 3 to 6 months तक के लिए इसकी इम्यूनिटी पावर रहती है, ठीक है। और जो लिव वैक्सीन होता है वो फॉर्म ऑफ लाइव वैक्सीन इज गिवन इन द डोसेज ऑफ 0.2 ml। ये कितने डोज में दिया जाता है, 0.2 ml के। तो अब कहाँ दिया जाता है, IM, जो किल वैक्सीन था वो दिया जाता है सबक्यूटेनियसली, और ये जो है IM इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 0.2 ml। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि कितना ml दिया जाता है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। और इसकी जो इम्यूनिटी है वो रहती है 1 year तक, 1 साल तक इसकी इम्यूनिटी रहती है। क्लास यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है इन्फ्लुएंजा और फ्लू ये कम्प्लीट हो गया। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपका असाइनमेंट है कि आपको इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख के लाना है। थैंक यू क्लास।